So hello friends, welcome back to my brand new blog. My name is Akash Chaudhary and you guys are watching me only on Living with Akash. So आज का ये जो ब्लॉग होने वाला है काफी धमाकेदार होने वाला है क्योंकि इस ब्लॉग में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ मेरा मंथली एक्सपेंस बैंगलोर में टोटल कितना है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने इंस्टाग्राम में डीएम करके पूछा, फेसबुक में डीएम करके पूछा, इवन कमेंट बॉक्स में भी लिख के बताया। जितना सारा मैंने बैंगलोर डायरीज का मैंने प्लेलिस्ट में जितना सारा ब्लॉग मैंने अपलोड किया था, अपार्ट फ्रॉम दैट कैपजेमिनी का जो पहला दिन फर्स्ट डे सेकेंड डे एट कैपजेमिनी जो मैंने पोस्ट किया था उस पे भर भर के कमेंट आया सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स का कि मेरा टोटल मंथली एक्सपेंसेस कितना है। सो उन्हीं लोग के लिए मैंने आज का ये ब्लॉग बनाया और इस ब्लॉग में मैं रिवील करने वाला हूँ मेरा मंथली एक्सपेंसेस टोटल कितना है। हाँ, मैं ये नहीं बताऊंगा कि मेरा टोटल सैलरी कितना है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अगर वो चीज अगर आप लोग को जानना है तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना पड़ेगा और उसके बाद लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा। साथ साथ में कमेंट भी करना पड़ेगा कि मेरा मंथली एक्सपेंस के हिसाब से मेरा सैलरी कितना होनी चाहिए। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, मैं जरूर उसके बाद नेक्स्ट कभी कोई वीडियो में मैं वो भी शेयर करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं क्लियर कर देता हूँ कि कौन सी चीज को मैंने ये मंथली एक्सपेंसेस में काउंट कर रहा हूँ। So, सबसे पहले आता है एकोमोडेशन क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा खर्चा होता है। सेकंड में आता है ग्रोसरीज एंड वेजिटेबल्स। थर्ड में आता है वाईफाई। फोर्थ में आता है इलेक्ट्रिसिटी बिल। फिफ्थ में आता है कुक और मेड। और सिक्स्थ में आता है हाउस कीपिंग के लिए जो भी खर्चा होता है, ये छह चीज। और हाँ, सेवंथ में आता है ट्रांसपोर्टेशन खर्चा। So, चलिए एक एक करके अभी डिस्कस करते हैं। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, स्किप मत कीजिएगा क्योंकि स्किप कर रहे हो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आप लोग मिस कर जाओगे। पहला एक्सपेंस एकोमोडेशन। सो मैंने पिछले वाला एक ब्लॉग में पहले प्रॉपर्टी टूर मैंने करवा के दिखाया। सो मैं रहता हूँ महादेवपुरा इन हुडी सर्किल। सो इट्स अ 1 BHK प्रॉपर्टी। सो टोटल मंथली रेंट इसका लगता है 22,000। हाँ, 22,000 क्योंकि ये फुल्ली फर्निश्ड रूम है। जो लोग मेरा अब तक वो प्रॉपर्टी टूर नहीं देखे हो, मेरा आई बटन में आप लोग देख पा रहे हो कि उसका एक मैंने लिंक डाल के रखा, तो वो लिंक को जरूर देखिए और मेरा पूरा ये 1 BHK प्रॉपर्टी का टूर करिए। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसका टोटल रेंट है 22,000। सो यहाँ पे मैं अकेला नहीं रहता हूँ, मेरे साथ राजोशी रहता है। सो दोनों मिलके शेयर करता हूँ ये 1 BHK प्रॉपर्टी। टोटल रेंट इज 22,000। सो डिवाइड बाय 2, सो इट मेक्स अराउंड 11,000 पर हेड। सो मैं खर्चा करता हूँ 11,000। सो मैं ये भी बता दे रहा हूँ आप लोग को कि यहाँ पे दो टाइप्स का अकोमोडेशन होता है। एक तो होता है पीजी, दूसरा टाइप होता है रेंट में अगर आप लोग फ्लैट लोगे। तो रेंट पे अगर आप लोग फ्लैट लोगे तो यहाँ पे क्या होता है कि 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK आप लोग के हिसाब से। तो हम लोग लिए 1 BHK प्रॉपर्टी, इसका कॉस्ट था 22,000 फॉर फुल्ली फर्निश्ड। अगर ये चीज कहीं और पे अगर हम लोग इसी एरिया में जैसे व्हाइट फील्ड एरिया में अगर हम लोग 1 BHK प्रॉपर्टी अनफर्निश्ड देखने जाएंगे तो उसका कॉस्ट होता है मान लीजिए 10,000 to 12,000। अगर वो फुल्ली फर्निश्ड होता है तो वो दुगना हो जाता है, डबल हो जाता है। जैसे हम लोग पे कर रहे 22,000। 2 BHK अनफर्निश्ड होता है 15,000 to 17,000। और अगर वही चीज फुल्ली फर्निश्ड होगा तो कॉस्ट हो जाता है 28,000 से लेके 32,000 तक। यस, अगर 3 BHK का अगर हम लोग मान लीजिएगा, 3 BHK का अनफर्निश्ड होता है 20,000 से लेके 23,000-24,000 तक। अगर वही चीज फुल्ली फर्निश्ड होगा तो अराउंड 40,000।
अगर आप लोग 4 BHK देख रहे हो तो 4 BHK का होता है 25-28 फॉर अनफर्निश्ड, और अगर वही चीज फुल्ली फर्निश्ड होगा तो इट कैन गो अप टू 50,000, नॉर्मली 44 से लेके 50,000 तक इसका होता है, राइट। तो ये मैंने बता दिया फ्लैट का। अभी आता है पीजीपी। पीजी में भी 3 टाइप्स का होता है, 1 शेयरिंग, 2 शेयरिंग एंड 3 शेयरिंग। सो 3 शेयरिंग का नॉर्मल होता है 6,000 to 8,000, 2 शेयरिंग का नॉर्मली होता है 10,000 से लेकर 13-14,000 तक, और 1 शेयरिंग का होता है 16 से लेकर 20,000 तक। तो अगर आप लोग को पीजी लेना है तो यू कैन गो फॉर जोलुलो, कोलीफ, देन स्टैंडर्ड लिविंग, FF21, काफी सारा मतलब पीजी यहाँ पे भर भर गया है बैंगलोर में। अगर आप लोग फ्लैट देखना चाहते हो तो आई विल सजेस्ट यू टू गो फॉर नो ब्रोकर, क्योंकि वहां पे डायरेक्ट होता है, ओनर का नंबर मिल जाता है। अदरवाइज यू कैन ऑल्सो गो फॉर नेस्ट अवे। नेक्स्ट थिंग इज द ग्रोसरीज। सो ग्रोसरीज में मैंने वेजिटेबल्स भी एड कर रहा हूँ, फ्रूट्स एड कर रहा हूँ, बाकी जो भी ये खाना पकवाने के लिए जो भी मसाला वगैरह चाहिए होता है उसको भी मैं ऐड कर रहा हूं। तो ये यहाँ पे क्या है कि एग्जैक्ट फिगर तो मैं इसका बता नहीं पाऊंगा, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, मैं और अजोशी क्या करता हूँ, दोनों मिलके एक स्प्लिट वाइज ऐप डाउनलोड किया। सो स्प्लिट वाइज ऐप में हम लोग जो भी खर्चा करते हैं ग्रोसरी रिलेटेड उसको वहां पर डाल देता हूं, तो डिवाइड बाय 2 हो जाता है, क्योंकि वहां पे जो इक्वली शेयरिंग का जो ऑप्शन है वो काफी सही है, तो इक्वल डिवाइड हो जाता है। तो वहां पे क्या होता है कि मैंने हम तो आज जैसे महीना का एंड डेट है, लास्ट डेट है, तो मैंने जस्ट चेक किया कुछ ही टाइम पहले कि हम लोग का मंथली एक्सपेंस लास्ट महीना में कितना था। सो इट कम्स अराउंड 10,000। तो चलिए डिवाइड बाय 2 करते हैं, तो उसका मान लीजिए 5,000 मुझे मंथली खर्चा हो रहा है। नेक्स्ट थिंग इज कुक और मेड, क्योंकि हम लोग जब वीकेंड में हम लोग को छुट्टी मिलता है तो हम लोग दोनों मिलकर खाना पकवा लेते हैं। नॉर्मली अगर कुछ स्पेशल अगर कभी कुछ बनाना हो तो वो भी हम लोग बना लेते हैं, लेकिन डेली के लिए हम लोगों ने कुक रखे है। सो वो जो कुक है वो महीना में लेती है 3,000 रुपीज। सो एक बार में आती है खाना पका के, दोपहर का और रात का एक ही बार में खाना पका के वो चली जाती है, तो महीना में लेती है वो 3,000। सो कुक और मेड के लिए 3,000। सो फोर्थ नंबर थिंग इज हाउसकीपिंग। सो डेली जो घर झाड़ू होता है, पोछा होता है, बर्तन धोना होता है, इसके लिए भी हम लोग एक हाउसकीपर को रखे है, वो लेता है 1,000 रुपया। सो नंबर 5 इज इलेक्ट्रिसिटी। सो इलेक्ट्रिसिटी बिल तो नॉर्मली हर महीना में आता ही है, वो रेंट पे मेरा एडेड नहीं है तो अलग से पे करना पड़ता है, तो उसके लिए जैसे लास्ट महीना में हम लोग का आया था 799, पकड़ के चले 800 रुपीज, डिवाइड बाई 2, सो दैट मीन 400 रुपीज पर हेड फॉर इलेक्ट्रिसिटी। तो द नेक्स्ट थिंग इज वाईफाई बिल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो वर्क फ्रॉम होम में वाईफाई तो चाहिए ही चाहिए। बाकी हम लोग का भी स्मार्ट टीवी है, तो स्मार्ट टीवी में भी हम लोग वाईफाई कनेक्ट करके हम लोग देखते हैं। तो हम लोग जो लगाया है जियो फाइबर लगाया है, जियो फाइबर का पोस्ट पेड प्लान। सो हम लोग का जो प्लान है वो है 999 प्लस टैक्स, सो इट कम्स अराउंड 1,200 रुपीज। सो 3 महीना में हम लोग पे किए थे 3,600, सो इट कम्स अराउंड 1,200 रुपीज पर मंथ, सो डिवाइड बाई 2, सो इट इज 600 रुपीज पर मंथ पर हेड, राइट। एंड फाइनल थिंग इज ट्रांसपोर्ट। सो अभी तो आप लोग को मालूम ही है कि अभी हाइब्रिड मोड में ऑफिस चल रहा है, मैं तो कैपजेमिनी में काम करता हूँ, तो मेरा ऑफिस यहाँ से 2 किलोमीटर का ही दूरी में है, तो मैं नॉर्मली उबेर ऑटो या ओला ऑटो या रैपिडो ऑटो बुक करता हूँ, तो नॉर्मली ऑन एन एवरेज 60 रुपीज लगते हैं, कभी 57-55, कभी 62-65, सो ऑन एन एवरेज 8 रुपीज पर राइड। सो जाने का आने का मिला के 120 रुपीज, एंड ये एक दिन का 120 रुपीज। अगर मैं 2 दिन, क्योंकि 2 दिन जाना ही पड़ता है, 2 दिन के लिए होता है 240 रुपीज, सो राउंड फिगर के लिए हम मान लेते हैं 250 रुपीज पर वीक। सो 4 वीक के लिए 250 × 4, दैट मीन 1,000 रुपीज। सो 1,000 रुपीज मुझे खर्चा हो रहा है ट्रांसपोर्ट के लिए। बाकी बहुत सारा खर्चा है, जैसे वीकेंड में अगर कभी इधर घूमने जा रहा हूँ, उधर घूमने जा रहा हूँ, तो वो सब खर्चा मैं पूरा बाद ही दे रहा हूँ, वो सब खर्चा तो अभी छोड़ ही देता हूँ, पहले इसको कैलकुलेट करते हैं उसके बाद बाकी बात बताते हैं। तो एकोमोडेशन के लिए मुझे खर्चा हो रहा है 11,000, कुक के लिए हो रहा है 1,500, दैट मीन्स 12,500, हाउसकीपिंग के लिए और 500, सो दैट मीन्स 13,000, ग्रोसरी के लिए मैंने बताया था 5,000, सो 13,000 प्लस 5,000, दैट मीन्स 18,000, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी का मैंने बताए थे कि 400 रुपीज, और जो वाईफाई बिल का 600 बताए थे, सो
So 18,000 plus 400 plus 600, so it comes around 19,000. And transport का मैंने बताया 1,000 rupees. So 19,000 plus 1,000 rupees, so it total it's 20,000 rupees. मुझे खर्चा होता है बैंगलोर में रहते हुए पर मंथ पर हेड, राइट? सो और भी ज्यादा, और भी जैसे मैंने बता रहा था कि बहुत सारा खर्चा है, कि जैसे लास्ट वीक मैंने गया था आईकिया शोरूम, उसके पिछले वाला वीक में मैंने गया था चर्च स्ट्रीट, उसके पिछले वाला वीक में मैंने गया था बैंगलोर पैलेस, उसके बाद टीपू सुल्तान समर पैलेस, कब्बन पार्क, बहुत सारी जगह पे मम्मी पापा को लेके. सो वो सब खर्चा तो अलग ही है. जैसे लास्ट महीना में हम लोग कंट्रोलर खरीदे थे, आयरन खरीदे थे, बहुत सारा चीज खरीदे थे, तो वो सब चीज का खर्चा यहाँ पे काउंट ही नहीं कर रहा हूँ. मतलब वांट्स वाला सेक्शन को यहाँ पे ऐड नहीं कर रहा हूँ, बस नीड्स वाला जो सेक्शन होता है उसी को ऐड किया. तो उसी को ऐड करके 20,000 हो गया. सो आप लोग सोच ही सकते हैं कि कितना बैंगलोर में खर्चा होता है. अगर आप लोग भी बैंगलोर में आ रहे हैं, अगर आप लोग भी फ्लैट लेने का सोच रहे हैं, वन बीएचके हो या टू बीएचके हो, तो मोटा मोटी पकड़ लीजिए 18,000 से लेके 22,000 तक खर्चा होगा ही होगा. तो ये मेरा टोटल एक्सपेंस है. बाकी मैंने नहीं बताया कि मेरा सैलरी कितना है, उसको आप लोग गेस करते रहिए, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम में वो चीज डीएम कीजिए. उसी के ऊपर नेक्स्ट कोई वीडियो में बनाने वाला हूँ, जिसमें मैं आप लोग के साथ कैपजेमिनी का पूरा स्ट्रक्चर में डिफाइन करने वाला हूँ. कैपजेमिनी का हायरार्की का जो स्ट्रक्चर होता है वो डिफाइन करूंगा. मेरा पोजिशन क्या है, मैं कहाँ जॉब, मतलब मैं कौन से डोमेन में जॉब करता हूँ, मेरा सैलरी कितना है, मैं सब कुछ उस ब्लॉग में आप लोग के साथ शेयर करूंगा. तो अगर ये ब्लॉग अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए. जरूर लाइक कमेंट शेयर करके भर दीजिए. और प्लीज प्लीज सब्सक्राइब, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए. मैंने अब तक के लिए लिविंग विद आकाश को एंजॉय कीजिए. और आप लोग अपना ध्यान रखिए, सुस्त रहिए, टेक केयर, गुड बाय, टाटा.